भाई साहब बैनर रिब्रो को मार के इसकी जगह ये ले ली। भाई क्या सीन चल रहा है भाई, मेरे एक के बाद एक जेट ड्रैगन मारे जा रही है। भाई क्या पावरफुल पोकेमोन है ये। व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोकेमोन एडवेंचर। तो गाइस आज हम जाने वाले बहुत ही खतरनाक पोकेमोन से फाइट लेने को, क्योंकि उसने बैनर रिब्रो को मार के उसकी जगह पे वो पोकेमोन आ चुकी है। ये खबर मेरे को पैल मर्ची ने बताई, जो कि मेरे को अभी भी पता चली है। और अगर हमने इसको नहीं मारा तो हमारे वर्ल्ड को ये डिस्ट्रॉय कर सकती। लेट्स गो, चलते फटाफट से गेम में, फिर इसको मारते। लेट्स गो। तो गाइस एक और सोच मेरे बेस पे, गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैनर से फाइट लिया, फिर बैनर रिब्रो से फाइट लिया, इन दोनों को हरा दिया। लेकिन हम लोगों ने फिर फाइट लिया बैनर रिब्रो अल्ट्रा से, जिसको कि हम लोग हरा नहीं पाएगा, उसकी एचपी बहुत ज्यादा थी। उसका टाइम अब भी होगा, लेकिन एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई हमारे साथ। भाई इंट्रो के बीच में सिंडिकेट की रेड हो गई, रुको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी आप लोग को। हमारी पूरी इंट्रो की वाट लगा दी। लेट्स गो, चलते इनको पहले हम लोग मार देते, उसके बाद आप लोग को इंट्रो दिखाते। लेट्स गो, हम लोग फाइनली पहुंच चुके उसके पास। अब हम लोग को जेट ड्रैगन बॉल के अंदर राजा अपनी मिसाइल लॉन्चर भी निकालनी पड़ेगी हम लोग को। रुक जाओ रुक जाओ। लेट्स गो गाइस, मैंने मिसाइल लॉन्चर को इक्विप कर दिया, बस इन लोग को लाइन से खड़े हो जाने, क्योंकि ये लोग पहाड़ के नीचे नहीं जा पाते, इसलिए मेरे बेस पे अटैक नहीं कर पाते। लेकिन बाजू बाजू में ब्लू ब्लू क्या आ रहा है भाई, ये अटैक दिखा रहा है, डिफेंस दिखा रहा है, भाई क्यों दिखा रहा है क्या पता, पर इनको उड़ाना पड़ेगा। लेट्स गो, खत्म, एक अटैक में खत्म, इंट्रो की पूरी वाट लगा दी थी तुम लोग ने। तो लेट्स गो गाइस, चलते फटाफट से जेट ड्रैगन को निकालते। भाई जेट ड्रैगन आजा बाहर, चलते अपने बेस पर। गाइस पीछे वाले इतने बहुत सारे बंदों ने अपना ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन बताया था, आप लोग भी अपना ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन भेज सकते हो। तो पहले हम लोग ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन को यूज कर लेते हैं, मतलब यूज क्या करते हैं, पहले ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन को देखते भाई क्या निकलता है उस एग में से। लेट्स गो, चलते फटाफट से नीचे और फटाफट से मैं सारे पैल्स को निकाल लेता हूं। चल भाई फटाफट से ब्रीदिंग फार्म के अंदर जा। अभी चलते हम लोग लैम्बर को भी लेके आ जाते हैं, और भाई जिसका ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन होगा ना उसका लेफ्ट साइड में कमेंट शो हो जाएगा। चल भाई लैम्बर फटाफट से ब्रीदिंग फार्म के अंदर चले जा। लोग फोर्शन को भी लेके आया, तो फोर्शन तू भी जाओ फटाफट से, दूसरे पैल को भी लेके आ। लेट्स गो गाइस, तू भी चले जा फटाफट से इसके अंदर। जो लोग पायलन तू भी जाओ ब्रीदिंग फार्म के अंदर। चलते अभी म्यूटू को भी लेके आ जाते हैं। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैं म्यूटू को लेके आ चुका, म्यूटू को भी मैं ब्रीदिंग फार्म के अंदर डाल दिया हूं। तो चलो गाइस, इन दोनों का एक रेडी हो चुका है, फटाफट से इस एक को उठाते हैं, फटाफट से इनक्यूबेटर के अंदर डाल देते हैं। लेट्स गो गाइस, मैं फटाफट से इसके अंदर डाल दिया, फटाफट से मेरे पास एक और एग है, उसको भी रख देता मैं इसके अंदर। तो चलो गाइस, इन दोनों एक को मैं रख दिया, फटाफट चलते अभी किट्सू और एस्ट्रागन को भी लेके आते हैं, इन लोगों को पैल बॉक्स के अंदर डाल देता हूं मैं। और भाई जिन लोगों का ये ब्रीदिंग कॉम्बिनेशन उनका लेफ्ट साइड में आप लोगों को कमेंट शो हो जाएगा। चल भाई एस्ट्रागन फटाफट से ब्रीदिंग फार्म के अंदर जा, और चलते किट्सू को भी लेके आते हैं। लेट्स गो किट्सू, तू भी जा ब्रीदिंग फार्म के अंदर। अभी चलते थोड़ी देर वेट करते हैं, इन लोग का एक रेडी होने देते हैं। तो चलो गाइस, इन दोनों का भी एक रेडी हो चुका है, इसको भी उठाते हैं। भाई यूज डार्क एग है, भाई देखते भाई इसके अंदर से कौन सा पैल निकलता है। भाई चलो लेट्स गो, इसको अंदर डाल दिया वो, फटाफट चलते अब दूसरे पैल का भी एक देख लेते हैं। लेट्स गो गाइस, इन दोनों का भी एक रेडी हो चुका है, लेकिन मैं जिस हिसाब से ये पैल है ना उस हिसाब से इसका एक बहुत ज्यादा छोटा है यार, क्या पावरफुल पैल निकलेगा गाइस इसके अंदर से, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई छोटा एक था। लेट्स गो, इसके अंदर भी डाल दिया मैं। अब चलते भाई एस्ट्रागन और किट्सू का भी वेट कर लेते थोड़ा देर। तो गाइस फटाफट से इनका भी एक होने वाला हो चुका है भाई, इस फटाफट से इसको उठाते भाई, ये भी यूज डार्क एग है यार, देखते भाई इसके अंदर से कौन सा पैल निकलता है। फटाफट से इसको भी रख देते एक इनक्यूबेटर के अंदर, ये भी रख चुका, तो फटाफट चलते थोड़ी देर वेट कर लेते, देखते भाई इसके अंदर से कौन सा पैल निकलता है। तो गाइस बाकी इसके अंदर से कौन सा पैल निकला आप लोग को ये अगले वीडियो के अंदर देखने को मिल सकता है, इस वाले वीडियो के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर ये लोग एक अगर इनक्यूबेट हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर अगले वीडियो के अंदर आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मेरे को चिट्ठी है ये पैल मर्चेंट की, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, और वो बोल रहा है कि भाई जल्दी मेरे पास, मेरे को कुछ तेरे को बताना है भाई, वरना हम लोग की ये वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो चलो गाइस फटाफट चलते पैल मर्चेंट के पास, जो कि रहता है भाई कहां पे रहता है, ओके यहां पे रहता है। चलो फटाफट से चलते इसके पास और उससे पूछ लेते भाई क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, चलते भाई पैल मर्चेंट के पास। तो गाइस पैल मर्चेंट के पास मैं पहुंच चुका, इससे बात कर लेते हैं। बाकी ये ब्लू में हेल्थ ये डैमेज क्यों दिखा रहे से पूछ लेते हैं। तो गाइस फाइनली इससे बात हो चुकी है, भाई बहुत ही बुरी खबर, अपने जो बैनर रिब्रो थी ना उसको मार के उसकी जगह पे दूसरा कोई पोकेमोन आ चुका है, उसकी वजह से ये बाजू में ब्लू में डैमेज दिखा रहा है, अटैकिंग पावर दिखा रहा है दूसरे पोकेमोन्स का या फिर पैल्स का। बाकी ये लोग बहुत ज्यादा डर हुए, ये लोग बोल रहे भाई कि अभी हम लोग को हराना पड़ेगा, हम लोग इसको नहीं हराएंगे हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता, बाकी तू ही हरा सकता, तू जाके इससे फाइट लेके एक बार देख, तू हरा पाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी हमारे पास एक अच्छी चीज ये है कि हम लोग बस इसको स्पॉन करेंगे, वैसे हम लोग बैनर रिब्रो को स्पॉन करते हैं ना, अगर इसको स्पॉन करेंगे बैनर रिब्रो को तो उसकी जगह पे वो स्पॉन होगी, लेकिन उसका नाम ऊपर शो होगा बैनर रिब्रो ही। चलो फटाफट से इसको मारते बना, ये हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो फटाफट से मैं सारी तैयारी कर लेता, उसके बाद आप लोग से मिलता हूं। लेट्स गो, बिकॉज फाइनली सब कुछ तैयारी हो चुकी है, फटाफट से मैं पत्थर भी ले चुका हूं। फटाफट चलते हम लोग उस जगह पे जहां पे अपने बैनर रिब्रो को स्पॉन किया, तो उधर जाके हम लोग उसको भी स्पॉन करते, फिर इसको मारते। लेट्स गो, कहां है भाई वो जगह, ओके मेरे को दिख चुका, फटाफट से इधर हम लोग टेलीपोर्ट देता। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके, फटाफट से अब तो बेस बना लेते जहां पे वो स्पॉन करेंगे हम लोग उसको। तो फटाफट से हम लोग इसको बना लेते भाई, हमारे म्यूटू बाहर आ जा, फटाफट से इसको बिल्ड कर दे यार, हम लोग को स्पॉन करना है, उसको मारना भी है। लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारे म्यूटू ने इसको बिल्ड कर दिया है। अब चलते फटाफट से स्टोन डाल के इसको स्पॉन करते। लेट्स गो, स्पॉन तो डाल दे, लेकिन एक सेकंड भाई, मैंने पैल तो निकाला ही नहीं। भाई पैल तो निकालना इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम लोग फाइट लेंगे ना, इससे रुक जाओ मैं पहले पैल देख लेता हूं। भाई शैडो भी तू भी जा। तो गाइस फाइनली मैं सारे के सारे पैल को निकाल दिया, फटाफट से स्पॉन करते भाई बैनर रिब्रो को, जो कि दूसरी जगह पे दूसरा पैल आ चुका है, उसको स्पॉन करते। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने उसको स्पॉन कर, देखना भाई कौन है भाई उसकी जगह पे। भाई ये कौन सा पैल है, उसकी मुंडी भी नहीं है भाई, ये तो पेड़ टाइप लग रहा है यार।
ओ भाई ये तो बैनर रिब्रो जैसी दिख रही है, लेकिन भाई ये दूसरे टाइप की पहल है यार। भाई हम लोग इसको मारना तो चालू कर दिया, इसके एचपी हम लोग फटाफट कम कर पा रहे हैं। लेट्स गो। और अपना जो भाई क्या बोलते हैं लूसीफर, क्या नाम है इसका भाई, इसको पता नहीं भाई, वो बहुत ही डेंजर वाला अटैक कर रहा है भाई। क्या चल रहा है, ये डैमेज हम लोग फटाफट दे पा रहे हैं। बाकी ताकतवर लग रही यार मेरे को ये पहल, क्या भाई वो गेम को तो मैं हार्ड मोड पे खेल रहा। बाकी ये कौन सी पहल भाई, बैनर रिब्रो की जगह ले ली यार। एक बार देखो भाई उसका पेड़ टाइप दिख रही है यार पूरी की पूरी। भाई सही है, मारो भाई इसको फटाफट से। भाई गायब हो गई भाई, टेलीपोर्ट भी कर रही है भाई, बैनर रिब्रो जैसे पूरी टेलीपोर्ट कर रही है यार ये तो, कि अटैक भी सेम कर रही है, मतलब कि उसकी जगह पे ये आ चुकी है। लेकिन भाई कितना पावरफुल है जो बैनर रिब्रो को हरा दी यार। भाई बैनर रिब्रो भली वो अच्छी नहीं है भाई, हम लोग को मारती है पर हम लोग पकड़ नहीं पाते उसको, पर लेकिन भाई वो अच्छी पहल है भाई। इससे अच्छी तो वही पहल है भाई, उसके कम से कम मुंडी तो दिखती भाई, इसकी मुंडी भी नहीं दिख रही है गाइस। मैंने जेड ड्रैगन को मार दिया भाई इसने तो, अब मेरे पास बहुत सारे जेड ड्रैगन उतार देते इसको बेस के ऊपर। बाकी मैं पहले इसको मार दूंगा, लेट्स गो, मार दूंगा भाई, मार दूंगा इन लोगों को तो मैं मार दूंगा। अरे इन लोगों को क्यों बोल रहा भाई, बैनर लिब्रो ऊपर शो हो रहा है लेकिन भाई पहल दूसरा दिख रहा है भाई। लेट्स गो। अभी भाई मेरे जेड ड्रैगन को बार बार मार रही है भाई, ताकतवर तो है भाई। बैनर लिब्रो को तो हम लोग इजीली मार देते लेकिन भाई इसको हम लोग नहीं मार पा रहे यार। लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग इसको मारते रहे भाई। इसकी एचपी तो हम लोग आधी पे ला दिए भाई। मारो यार मेरे पैल्स नहीं मार भाई। जेड ड्रैगन तू भी मार भाई, अटैक का कमांड नहीं दिया क्या मैंने इसको? मार रहा है चलो ठीक है ठीक है, अटैक का कमांड वापस दे दिया मैंने। मार भाई, लेजर मार रही है मेरे ऊपर। और बाकी चलो मारते भाई, देखते भाई क्या होता है भाई। लेट्स गो, मारो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, मार ही नहीं रहे हो। अपना जेड ड्रैगन एक मर चुका है, अपना एक जेड ड्रैगन मर गया भाई। क्या पावरफुल पहल है यार, अपने तो बैनर लिब्रो ऐसे नहीं मारती थी यार, लेकिन ये पावरफुल पहल है यार। क्या है भाई ये पेड़ की क्या है भाई, तू मेरे को मार मत, मैं तेरे को मार दूंगा। सच बता रहा, मैं गन ही रिलोड नहीं, रुक जाओ भाई, मेरे गन रिलोड नहीं, मेरे को गन रिलोड करना पड़ेगा भाई। क्या चल रहा है, मेरे पैल्स को नहीं मार पा रहे, मैं कैसे फायर कर रहा, मैं गन ही रिलोड क्यों नहीं हो रही भाई। रन रिलोड कर भाई, गन नहीं भाई, लॉन्चर रिलोड नहीं हो रही है। तो गाइस फाइनली मेरे रन तो रिलोड हो चुकी है, लेकिन अपने पैल्स को मारने दो पहले भाई। अपने पैल्स है ताकतवर की, जो कि मैं बिना उसको सपोर्ट भी करे भाई मेरे पैल्स मार देंगे उसको, मेरे को इतना पता है भाई। मेरे को अटैक करे, देख रहे हो तुम, देख रहे हो मतलब अटैक करना इसको सीखे भाई। ले अभी लॉन्चर खाली ना, अभी मेरे ऊपर अटैक मत करना, पहली बात मेरे ऊपर अटैक मत करना वापस से, ठीक है। तू अपना जो करना है वो कर, लेकिन मेरे ऊपर अटैक मत कर भाई। मेरे पैल से लड़ ले, मेरे पैल से तेरे को इजीली मार देंगे, मेरे को पता है भाई। लेट्स गो, एक और लॉन्चर ले ले भाई, चल ठीक है। अब शांति हो चुकी ना तेरे को, कि और मारूँ तेरे को बता, खाएगी और लॉन्चर, और लॉन्चर खाएगी। रुक जाओ गाइस, रिलोड होने दो पहली बात, मेरी गन ही रिलोड नहीं होती भाई, लॉन्चर में रिलोड नहीं करता यार, मैं गलत सीन है भाई, ठीक है भाई। ए ले भाई, उसने भी अटैक मारा मेरे को, मैंने भी उसको अटैक मारा, सेम टू सेम हो चुका है। लेट्स गो, 7 मिनट का टाइम है, लेकिन हमने उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम कर चुकी है। लेट्स गो गाइस, अभी थोड़ा बहुत फाइट लेते हैं भाई, अपने पैल्स को ही फाइट लेने दो भाई। मैं वे फालतू का मार रहा उसको, अब उसको तो हम लोग मार ही सकते भाई। मैंने जेड ड्रैगन को, लेकिन भाई बहुत ज्यादा जेड ड्रैगन को राउंड कर दिया भाई इसने तो। मेरे को जेड ड्रैगन को उतारने दो भाई बेस को, पहली बात ठीक है। मैंने जेड ड्रैगन को उतार दिया भाई, जेड ड्रैगन मारो यार, तुम लोग के अंदर औकात तो है भाई, मेरे को इतना पता है। मेरे एक जेड ड्रैगन को और मार दिया इसने यार, क्या सीन है भाई, ये पावरफुल तो है भाई। बैनर रिब्रो से पावरफुल यही पहल है भाई, टेलीपोर्ट मार रही है। ओ भाई ये कौन सा अटैक है, ये स्टार वाला अटैक तो बैनर रिब्रो नहीं मारती थी यार, कैसे भाई ये अटैक कैसे कर रही है। ओके मैंने जेड ड्रैगन को और मार दिया भाई, मैंने फोशन को फेंका, देखते भाई फोशन क्या करती है। अपना फोशन तो मेरे को लगता है इसको भाई खत्म कर दिया, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, पूरी एबिलिटी छाप ली क्या इसने भाई, क्या मार रही है मेरे को भाई साहब, कैसे भाई इसकी एचपी वापस कैसे रिकवर हो गई भाई, 1,00,000 पे एचपी आ गई वापस, जैसे बैनर रिब्रो की होती है ना वैसे सेम टू सेम हो रहा है भाई। लेकिन ये क्या है भाई, उसकी जगह कैसे ले ली, उसकी एबिलिटी पूरी सीख रही है। मेरे जेड ड्रैगन को देखो भाई, क्या एक के बाद एक मारे जा रही यार, क्या सीन है भाई, मेरे जेड ड्रैगन मारे जा रहे। ले भाई लॉन्चर खा ले तू 2 मिनट के लिए, तू शांत हो जा भाई, प्लीज शांत हो जा यार, क्यों परेशान कर रही है मेरे को, क्यों बता तू ही भाई। मैंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, सच्ची बोल रहे भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते। फटाफट से जेड ड्रैगन को अंदर जाओ भाई, जेड ड्रैगन तू भी जा अंदर, मेरे पास जेड ड्रैगन बचे भाई, थोड़े बहुत जेड ड्रैगन मेरे पास होंगे। लेट्स गो, देखते भाई कितने जेड ड्रैगन है भाई, जाओ उतरो जितने जेड ड्रैगन भाई उतरो। और मेरे पास एक काम करो भाई, तुम लोग भी उतर जाओ, नौ को भी उतार दो भाई। चलो सही है, मैंने नौ को भी निकाल दिया, फॉर्चून नौ को भी निकाल दिया, जो कि गोल्डन वाली है। लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग इसको मारने वाले, और इसकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो रही है, बहुत ज्यादा कम कर दी है हम लोगों ने, बहुत ज्यादा कम कर चुके हैं, बस थोड़ी बहुत एचपी और बची है, और फाइनली इसको हम लोग मार देंगे भाई। अभी इसकी एचपी रिकवर नहीं होनी चाहिए भाई, तू क्या कर रहा है इधर खड़े खड़े भाई, ये वेट कर रहा था क्या उसके? अरे भाई 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 रुक जा 2 मिनट भाई, अपना फोशन लॉन्ग वेट कर रहा था उसके टेलीपोर्ट होने का भाई, इधर ही खड़े होके। लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोगों ने मार दिया उसकी बहन का टकला कर दिया है भाई। बैनर लिब्रो को जगह लेके, देख रहे हो तुम, उसके टांग विंग टूट के गिर चुके भाई, केकड़ा था क्या वो भाई, क्या सीन नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा भाई, केकड़ा विकड़ा था लेकिन गायब हो चुका है वो पूरा का पूरा। अब चलते हैं अपने पैल बॉक्स में सारे के सारे पैल्स को अंदर डाल देते भाई, क्योंकि बहुत मेहनत की है लोग ने भाई, चलो फटाफट से अंदर जाओ तुम लोग। तो फाइनली मैं सारे के सारे पैल को अंदर रख दे। बाकी इसने दिया क्या भाई, बैनर रिब्रो का एक दिया मेरे को क्या,
और भाई बैनर लिब्रो अल्ट्रा का मेरे को स्लैब मिल चुका है, लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग अगली वीडियो में बैनर लिब्रो को मार सकते हैं या फिर बैनर लिब्रो अल्ट्रा को मार सकते हैं, लेट्स गो। सही है भाई, तो फटाफट चलते हैं अपने बेस पे, लेट्स गो गाइस। फाइनली हम लोग अपने बेस पे पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने अपने वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया फाइनली। और चलते एक बार देखते भाई कोई एक इंक्यूबेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है, हमने फाइट भी बहुत देर से लिया है। तो गाइस फाइनली ये वाला एक इंक्यूबेट हुआ है, जो कि भाई अपना है पैलोरियन और भाई म्यूटू का है। तो लेट्स गो गाइस, इसके अंदर क्या निकला भाई, कुछ सीन दिख नहीं रहा है भाई, कुछ दिखा ही नहीं भाई। लेजेंडरी पैल मिला मेरे को, लक्की पैल मिला है, पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर भाई कुछ दिख नहीं रहा भाई। इसका ना फोटो दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है भाई। किसने भाई ये पैल का कॉम्बिनेशन बताया था मेरे को यार, भाई मेरे को कमेंट में बताया इसका क्यों पैल नहीं दिख रहा है। जब मेरे लेवल वाइज करना है, लेट्स गो भाई। मेरे को बैनर रिब्रो ही दिख रही है जिसकी मैंने ब्रीदिंग करवाई थी, बस वही दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रही यार। क्या सीन है, मतलब वो पैल कहाँ गायब हो गई? गाइस मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं पाइलोरियन और म्यूटू की ब्रीदिंग करवाई, लेकिन मेरे को उसके अंदर से कोई एक ही नहीं मिला, मतलब एक तो निकला लेकिन उसके अंदर कोई पैल ही नहीं मिला यार। तो लेट्स गो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फाइनली हमने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बता लिया, बाकी ये लिखा है वही लाइट क्यों चली गई यार। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई हमारे वर्ल्ड में, कुछ तो कुछ ना गड़बड़ हुई, क्योंकि हमारी लाइट ऐसे नहीं जा सकती यार। आई थिंक मेरे को लगता है 100 लेवल का जेडर ड्रैगन आई थिंक स्पॉन हुआ है कहीं, तो वरना ऐसे लाइट कभी कटती नहीं भाई। जेडर ड्रैगन स्पॉन हुआ तभी तो ये लाइट गई है, वरना ऐसी लाइट जाती नहीं है। तो कैसे ये सबको छोड़ा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो बस इतना ही। आप लोग बताना वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टाटा।